आप अपना अगर आप चेंज करें क्लेम हो जाएगा आपके, इनके पैसे बहुत कट जाने हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम। आज तो किसी का कोई क्विज नहीं है ना? मैम 8 बजे वालेकुम अस्सलाम मैम। चलो 8 बजे से पहले हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। मैम चलिए हम ठीक लास्ट है फिर। लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब अपलोड करेंगे क्योंकि हमारा कोई इसका तो नहीं सुना ही। क्या मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है? आपने वो LMS खोल के देखा है अपना? यस मैंने मैम सुबह आपने देखा आज था कर तब दिया। तो। बेटा रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, उसको देखें आप लोग। ठीक है, जरा सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर।
जी बच्चों ना यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट नहीं ओपन हो रहा, पता नहीं कब से इसको ओपन होने के लिए कहा हुआ है। अच्छा बच्चों आज भी हमने अच्छा मुझे ये बताया ना पढ़ा क्या था हमने पिछली दफा, जरा ये तो मुझे याद करवाएं। एनीमिया, जॉन्डिस, एनीमिया जॉन्डिस के बारे में देखा था। और मैम एडिमा पढ़ा था, एडिमा पढ़ा था, पिटिंग एडिमा मैम, और नॉन पिटिंग मैम लैम्फ नोड भी पढ़े थे। लिम्फ नोड, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा, कौन बताएगा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू? मैम जैसे कि पिटिंग का वर्ड बता रहा है कि जो पिटिंग है वो धंसने को बोलते हैं, तो अगर आप प्रेस करेंगे और वहां पर एडिमा हो उसे पिटिंग एडिमा बोलेंगे, और अगर पिटिंग नहीं होती वो जगह नहीं डिप्रेस होती तो इट्स नॉन पिटिंग एडिमा। थोड़ा सा सही नहीं बताया आपने, कोई और बताएगा इसको? मैं बताऊं जी, बताएं मैम। जो पिटिंग होता है वो क्यूटेनियस होता है, और जो नॉन पिटिंग होता है वो नॉन क्यूटेनियस होता है। नॉन क्यूटेनियस होता है, ठीक। हां ठीक है, ये भी एक और डिफरेंस है जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये भी मतलब किसी एक और तरह से इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है डिफरेंस को? जो पिटिंग एडिमा होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं वहां से स्किन में जो डिप्रेशन बनता है पिटिंग एडिमा में वहीं पर सिस्ट करता है, जबकि नॉन पिटिंग में जैसे ही हम फिंगर हटाते हैं वो डिप्रेशन फौरी तौर पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आता है पिटिंग, और एक डिफरेंस ये आता है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। वो जो क्यूटेनियस और नॉन क्यूटेनियस है वो भी ठीक है, उससे पहले जो उन्होंने बताया था वो भी ठीक था, ये कि जरा बेहतर वर्ड में आ गया। अब मुझे ये बताएं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन क्यों नहीं हो रहा वर्ड का? मैम डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ अभी तक। तो किसी को मेल खेल दें, वो किसी को मेल भेज दें, वो शेयर कर देगा बच्चा को। पिछली दफा भी इसने यही किया था कि नॉट सेव येट आता था, लेकिन वो ओपन होता था। अच्छा हम थोड़ा सा वैसे डिस्कस करते हैं, आज हमने जो है वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को ही कंटिन्यू करना है। अगर हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो उनमें हम क्या चीजें देखते हैं? अगर हम एक आउटलाइन बनाना चाहें तो हम जनरल अपीयरेंस पेशेंट की देखते हैं कि जनरल अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। उसको देख के जैसे मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक में एंटर हुआ तो उसको देख के आपको क्या लगा कि बहुत ज्यादा इल है या माइल्ड की इलनेस है? अच्छा इलनेस को हम देखते हैं जनरल अपीयरेंस में, फिर उसके बाद उसका पोस्चर एंड एटीट्यूड हमारे पास आ जाता है, ठीक है, कि वो किस तरह से बैठा हुआ है। अगर तो वो बेंड फॉरवर्ड बैठा होगा तो कुछ लंग की कंडीशन हमारे पास ऐसी आती हैं, इलनेसेस होती हैं रिलेटेड टू द लंग, जिसमें पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होता है। तो जब वो बेंड होके थोड़ा सा बैठता है तो उससे क्या होता है कि कुछ वो एक्सेसरी मसल यूज करके तो रेस्पायर कर रहा होता है, ठीक है। तो लंग डिजीज में उसको हेल्प मिलती है रेस्पिरेशन में थोड़ा फॉरवर्ड बेंट होने से, या फिर टाइम्स आप देखते हैं कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही एक फ्लैट की पोजीशन में आए होते हैं, वो हार्ट फेलियर की पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट बिल्कुल ही एक फ्लैट पोजीशन में होता है। मैं देखती हूँ अगर डॉक्यूमेंट को मेरे पास अब दोबारा खुल जाए, एक दफा मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी बुरी बात। अच्छा जी डे थ्री पे भी हम बाद में जाएंगे, पहले हम डे फोर को देखते हैं जिसमें मैंने आपसे बात की कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम जनरल अपीयरेंस पेशेंट की देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, ठीक है, लुक्स में। उसमें फिर
जन फिजिकल अपीयरेंस में हमने देखा कि वो इलनेस किस तरह की हमें लग रही है, उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं ना जी मैम? यस मैम, ठीक हो गया। अब फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कुछ चीजें वो रिलेट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर इसको जरा याद कर लीजिएगा, मैंने ये जब अभी बायो लिया था रिसेंटली तो मैंने काफी If there is poverty of expression, that means patient is suffering from Parkinsonism. Poverty of expression, it means expressionless face है. Startled expression हो, तो hyperthyroidism के patient के case में startled expression आते हैं. Then अगर apathy है with poverty of expression and poor eye contact, तो फिर क्या होते हैं? It seems कि वो depression का patient है. अगर पेल एंड पफी स्किन है तो इसका मतलब है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर लग ये क्या इसकी प्रोनंसिएशन भी नहीं मुझे ठीक से से हो रही, लग्जरियस एक्सप्रेशन विद बायलेटरल टोसिस, अगर आप ये देखते हैं कि बायलेटरल टोसिस है और उसके एक्सप्रेशन भी थोड़े अजीब से आ रहे हैं कि जैसे कि कहें कि बहुत ही somewhat similar to startle भी कह सकते हैं, तो वो myotonic dystrophy का patient हो सकता है। अगर agitated expression है तो वो anxiety होगी, hyperthyroidism हो सकता है या फिर hypomania का patient हो सकता है। ये कुछ points हैं, इनको याद कर लीजिएगा general physical examination के context में। फिर उसके बाद हम posture and attitude देखते हैं। मैम hypomania क्या होता है? बेटा hypomania आपके पास एक condition है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें कि आप कहें कि पेशेंट बहुत डाउन फील करता है और बड़ा खामोश सा रहेगा, दैट इज समथिंग लाइक हाइपोमेनिया। पोस्टर एंड एटीट्यूड आ जाते हैं पेशेंट का, पोस्टर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको डिफरेंट चीजें इंडिकेट करता है। इसी तरह से अगर मेनिनजाइटिस का पेशेंट हो तो उसकी नेक बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंट होती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस ग्लासगो कोमा स्केल आ जाता है कॉन्शियसनेस उसकी देखने के लिए। ग्लासगो कोमा स्केल पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले या नहीं कभी पढ़ा? आर यू फेमिलियर विद द टर्म ग्लासगो कोमा स्केल और नॉट? नो मैम, नहीं मैम, नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल में हमारे पास थ्री डिफरेंट डोमेन आती है, एक आई ओपनिंग रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स होते हैं और मोटर रिस्पॉन्स। जो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में हमारे पास आते हैं या फिर ऐसे पेशेंट के जिनकी कोई ब्रेन इंजरी हो तो उनका अराउजल का लेवल देखने के लिए ये स्केल यूज किया जाता है। स्केल की थ्री डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक आई ओपनिंग रिस्पॉन्स होते हैं, एक वर्बल रिस्पॉन्स होते हैं और एक मोटर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास फोर मोर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके चार पॉइंट्स हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे पास है वो इसका स्कोर फोर आएगा। स्पॉन्टेनियस ओपनिंग विद ब्लिंकिंग, अगर तो आपने पेशेंट को जो है वो पेशेंट के पास गए, ठीक है, तो उसने क्या किया कि एट वंस अपनी आईज को ओपन कर लिया, उसने फील किया कि देयर इज समवन अराउंड मी, उसने अपनी आईज को ओपन कर लिया, इसका मतलब है कि हम उसको फोर पॉइंट देंगे, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट है टू वर्बल स्टिमुलाई कमांड और स्पीच, अगर हम उसको आवाज देते हैं तो वो थ्री पॉइंट उसको रेट करेंगे। अगर इन केस हम कोई पेनफुल स्टिमुलस पेशेंट को देते हैं और उससे वो आई ओपनिंग करते हैं तो टू पॉइंट देंगे, और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर वन पॉइंट देंगे, ठीक है, ये आई ओपनिंग पोर्शन है। सेकेंड पार्ट इसका आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल में हमारे पास फाइव डिफरेंट इसके पॉइंट्स आते हैं जो हम देखते हैं, फाइव डिफरेंट आप ये कहेंगे इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैक्सिमम हम अवॉर्ड करते हैं वर्बल के फाइव मार्क्स। इसमें ये होता है कि अगर तो हमने पेशेंट से बात की वो ओरिएंटेड फील हुआ तो फाइव पॉइंट्स देंगे, अगर उसकी कन्वर्सेशन थोड़ी कंफ्यूज्ड थी तो फोर पॉइंट्स देंगे, अगर वो बात करता हुआ इन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता है तो फिर थ्री पॉइंट्स देंगे, और अगर उसकी स्पीच जो है वो इतनी अंडरस्टैंड नहीं हो रही, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, तो फिर हम उसको टू पॉइंट्स देंगे, और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हमारी बात को तो फिर हम उसको वन पॉइंट देंगे, ठीक है मैम। ये हमें याद करने हैं कि किस पे कितने पॉइंट्स,
जी, बिल्कुल, ये पूरा स्केल आपने याद करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप न्यूरो वार्ड में जाके मैम पेशेंट वैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। मैम ये मैम वाइवा भी इसी बेस पर ही लिया जाता है। जी बेटा, जो मैं पढ़ाऊंगी उसी से वाइवा लूंगी, और आपने दोनों चीजों को प्रिपेयर करना है, अपनी लॉग बुक भी और साथ में जो मैंने आपको बुक बताई है बेड साइड टेक्निक की उसको भी। ठीक है मैम, सिर्फ बेड साइड टेक्निक से पढ़नी है हमने? नहीं, अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि बेड साइड टेक्निक से भी पढ़ना है और साथ में आपने लॉग बुक से भी पढ़ना है। ओके मैम, और मैम ये रैंकिंग स्केल होता है ना? कौन सा स्केल होता है मैम? ये जो आप अभी बता रही हैं ये रैंकिंग स्केल होता है ना खाली? बेटा रैंकिंग स्केल से क्या मतलब है आपको, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम मतलब जैसे कह रही है ना 3 points, 2 points और 1 point, मतलब हम लोगों ने पेज पे आगे उस पे आगे लिखते ना कि ये 1 point, 4 point, हम पूरी पूरी लाइन तो नहीं लिखते ना, तो बस ये लिखना। नहीं, सिंपल आप लिखेंगे कि मतलब ई लिख देंगे और उसके आगे आप मतलब अपने तौर पे आप लिखेंगे, आप वहाँ पे जहाँ कहीं आप पेशेंट की फाइल है वहाँ पे सिंपल टोटल स्कोर भी लिख सकते हैं, या आप इंडिविजुअली ई लिखेंगे, आई का वर्बल का वी लिख देंगे, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है मोटर का एम लिख देंगे, जो जो जितना जितना स्कोर है उसके आगे लिख के नीचे टोटल जो स्कोर हो रहा होगा वो लिख देंगे कि ग्लासगो होमा का स्केल भी आया है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। इतनी सारी स्ट्रेंथ है, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही, सारी क्लास सो रही है क्या? यस मैम, सुन रही है। यस मैम, तो मैम सुन रही है। यस मैम, पढ़ा हुआ है, मैम सुन रही है। ठीक है, सब लोग तो नहीं लेकिन काफी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। यस मैम, यस मैम। थर्ड पार्ट का मोटर रिस्पांस पे आ गया, इसकी भी वर्बल की तरह, अच्छा नहीं, वर्बल में 5, आई ओपनिंग में 4 थे, वर्बल में 5 है और मोटर में 6 है। मोटर रिस्पांस में हम देखें तो ओबेज कमांड पर मूवमेंट, अगर हम उसको कमांड देते हैं और वो ओबे करता है हमारी कमांड को, तो हम उसको 6 points देते हैं। ठीक है, अगर हम कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं और उसके पेशेंट जो है पर्पसफुल मूवमेंट करता है तो हम उसको 5 points देते हैं। ठीक है, इनकेस अगर हमने पेशेंट को कोई पेनफुल स्टिमुलस दिया और उसने विदड्रॉ कर लिया, मतलब अपना हाथ या जहाँ पे भी हमने दिया वो उसने पार्ट अवे मूव कर लिया, तो हम उसको 4 points देंगे। ठीक है, और फ्लेक्शन इन रिस्पॉन्स टू पेन अगर आए, इफ देयर इज फ्लेक्शन इन रिस्पॉन्स टू पेन वी विल गिव 3 points। इफ देयर इज एक्सटेंशन इन रिस्पॉन्स टू पेन दिस इज नोन एज 2 points। ये जो डी कॉर्टिकेट पोस्चर और डी सेरिब्रेट पोस्चर लिखा हुआ है, ये आपके पास कुछ ब्रेन रिलेटेड इंजरीज आती हैं उसके हवाले से इन्होंने ये साथ आगे मेंशन किया हुआ है। इफ देयर इज नो रिस्पांस 1 point। ठीक है, मतलब ये कि मोटर रिस्पांस में से इनमें से कोई 1 point उस पेशेंट में प्रेजेंट होगा। अब अगर स्कोर आता है कितना, इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 3, क्योंकि सबसे अगर नो रिस्पांस हम देखें अगर तीनों में नो रिस्पांस है तो वो 3 points आएंगे, और इसका मिनिमम स्कोर, और अगर हम इसके मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्कोर आपके पास 6, 5 and 4 टोटल मिला के 15 है। ठीक हो गया मैम? फ्लेक्शन पे 3 और एक्सटेंशन पे 2 points क्यों देंगे, मूवमेंट तो दोनों में हो रही होती है ना? बेटा मूवमेंट तो दोनों में हमारे पास हो रही होती है, लेकिन आप देखेंगे जो अगर तो वो फ्लेक्शन में इन रिस्पांस टू फ्लेक्शन कर रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है, तो दैट मींस कि उसकी एक्सटेंशन प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर वो एक्सटेंशन कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें फ्लेक्शन प्रेजेंट नहीं है, ये कुछ आपके पास एक पैटर्न प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए जो अगर तो वो फ्लेक्शन में चला जाए तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी प्रॉपर एक्सटेंशन में था हमारे पास, वो एक्सटेंड भी कर सकता है, तो उसको हम 3 दे रहे होते हैं। लेकिन अगर एक्सटेंशन आए तो उसमें फिर उसकी फ्लेक्शन आपके पास नहीं होती, तो उसको हम 2 points देते हैं। ठीक है, उसको जरा याद रख लीजिए, इसकी इस तरह से रीजनिंग आती है हमारे पास। नेक्स्ट में आपने फिजिक देखनी होती है पेशेंट की। ठीक है,
आप फिजिक में सिंपली देखते हैं कि भाई उसकी जो हाइट वगैरह है वो कैसी है, लीन तो नहीं है, कोई मेल न्यूट्रिशन का केस तो नहीं लग रहा, ठीक है, उसकी उसको देखने में उसकी डाइट तो प्रॉपर लगती है ना। सो उसके अलावा फिर कुछ आप ये देखें कि डाइट के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं कि जिनकी हमने पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग उनको हमने वो मेडिसिन देनी होती है। बच्चों मेरा ख्याल आजान हो रही है। यस मैम। इस तरह से कि 10 मिनट का ब्रेक है, एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद हम ज्वाइन करते हैं। आप लोग मेरे इस ब्रेक देने का पर्पस नमाज है एंड आई होप कि आप सब लोग नमाज पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। यस मैम, थोड़ा लेट होती है जी, मेरी साइड पे थोड़ा लेट होती है अजान। अच्छा, कितना लेट होती है हमसे? लाहौर में तो हो गई है, हो रही है। मैम इधर 10 मिनट तकरीबन। मैम इधर भी नहीं हुई इस्लामाबाद में। अच्छा मैम, 10 मिनट बाद दोबारा ब्रेक दे दीजिएगा। चले हम ब्रेक ही 2 मिनट, लेकिन अजान की आवाज अच्छे से तो भी मुझे आ नहीं रही। हम ऐसे करते हैं 2-3 मिनट डिले कर लेते हैं, ठीक है? यस मैम। चलें दोबारा स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर तो चल रही है। My baby is very much fond of jumping out of the bed. Bed से उसका यही होता है कि बस वो नीचे छलांग लगा दे। तो मैंने बहुत सारा सामान अपने बेड पे रखा होता है टॉयज, कि उसका ध्यान नीचे ना जाए, वो बेड पे ही जो है ना वो बिजी रहे। थैंक गॉड कि आज वो सो के उठ चुका है तो उसको रोना नहीं आ रहा, वो अपने खेल में बिजी है। अच्छा जी, फिजिक आ गई, फिर मूवमेंट को हम जो है वो मॉनिटर करते हैं। मूवमेंट को अगर हम देखें तो ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है? ट्रेमर्स में फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं हेपेटिक फेलियर और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, और ट्रेमर्स एंजाइटी के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म में भी अल्कोहल के इनटेक को भी इंडिकेट कर रहे होते हैं ट्रेमर्स, ठीक है? कुछ मेडिसिन लाइक सैल्बूटामोल की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी ट्रेमर्स आते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो हम थ्रेटिकल पार्ट पढ़ते हैं ना, इसका मकसद ये होता है कि आपको एक जनरल थोड़ा सा आइडिया हो चीजों का, जब आप एग्जामिन करें तो आपको पता हो कि ये जो मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ उसमें जो मेरे पास फाइंडिंग्स आ रही हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं। फिर कुछ हर्डल्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं आप कहें कि डिफरेंट चीज़ों के साथ। एक्सेसिव बॉडी ऑडर कब कब आती है वो आप देख लें, इन वेरी एल्डरली, अल्कोहल और ड्रग मिसयूज, फिजिकल डिसेबिलिटी, प्रिवेंटिंग नॉर्मल हाइजीन एंड सीवियर लर्निंग डिफिकल्टी, दीज आर दी कॉजेज फॉर दी एक्सेसिव बॉडी ऑडर। सम अडर्स आर डायग्नोस्टिक, इनको भी जरा याद रखिएगा कि कौन सी अडर किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? स्टेल माउथ स्मेल ऑफ द वोलेटाइल एमाइन इन द ब्रेथ ऑफ द पेशेंट विद लिवर फेलियर, स्वीटनेस ऑफ द ब्रेथ इन डायबिटिक पेशेंट, fatigued swell of the chronic suppression, necrotic tumors with some skin disorders, fishy smell of the anaerobic bacterial vaginosis, तो ये जितनी smells हैं हमारे पास ये indicate कर रही होती हैं किस चीज को, किसी disease को। So हमने क्या करना होता है कि patient से आने वाली smell को भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्मेल पेशेंट से किस वजह से आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक आपके पास, अच्छा अगर हम हैंड को एग्जामिन कर रहे हो तो उसमें हम क्या कुछ देखेंगे? मैम कलर फ्लेक्शन, मैम उसका कलर, नेल्स देखेंगे, उसका टेक्सचर कैसा है, शेप कैसी है, इसकी कोई डिस्कॉन्टी तो नहीं है उसमें,
हैंड्स के मसल की एट्रोफी तो नहीं हुई हुई और नेल्स में क्लबिंग तो नहीं हुई हुई हैंड्स ग्लो लाइक तो नहीं है। हम इसको ना कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर में अजान हो रही, इट्स नॉट गुड कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है 10 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। यस मैम।
जी बच्चों आप लोग आ गए हैं वापस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक। अच्छा एक मसला है, मसला पता है क्या है, ये जो शेयर करता है ना डॉक्यूमेंट की पीडीएफ पर डॉक्यूमेंट शेयर करता है, और मेरे पास अगर पीडीएफ पर डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में हो तो वो शो ही नहीं करता, वो कहते हैं जी कि सिर्फ डाउनलोड वाले डॉक्यूमेंट मैंने आपको शो कराने हैं। पीडीएफ हो तो वो बड़ा इजी रह जाता है यहाँ पे पे। तो अब मैं आप अच्छा मैं खुद को अगर ईमेल करूँ डॉक्यूमेंट तो फिर वो मेरी डाउनलोड में आ सकता है मेरा ख्याल है। चले नेक्स्ट टाइम करते हैं बेटा, आज तो कंटिन्यू करते हैं ना बैठ के, अगली दफा के लिए कुछ मैं सोचती हूँ। मैम आप मेल पे लेक्चर भेज के खोल लिया करें। ईमेल पे यस मैम वो इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ कुछ और डिफरेंट चीज करूँ जिससे मेरे लिए इजी हो जाए ना ये चीज। मैम लैपटॉप पे नहीं ठीक चलता बेटा? लैपटॉप पे ठीक चलता है लेकिन मैं मोबाइल पे लिखती हूँ साथ। उधर इजी हैंडी हो जाता है आराम से बैठे आपने हाथ में पकड़ा हुआ, लैपटॉप के लिए जरा डिफरेंट सेटिंग चाहिए होती है। अच्छा जी ये हम कुछ एड्रेस की बात करते हैं कि पेशेंट से जो ऑर्डर आ रही होती है वो भी डायग्नोस्टिक होती है। इसी तरह से हमने बात की सेल की, जैसे कोई चीज़ खराब होगी, स्वीटनेस की बात की, फैटिड की कोई अनप्लेजेंट सी स्मेल जो होती है, फिर फिशी स्मेल की बात की, फिर साउंड्स हैं नॉर्मल स्पीच साउंड्स। अच्छा जी आपके पास जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जैसे आ जाती है, ठीक है, मे बी लेरिंजाइटिस की वजह से हो, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस मे बी ड्यू टू इन्फेक्टिव लेरिंजाइटिस, हैवी स्मोकिंग और अ न्यूरोलॉजिकल कॉज। ठीक है तो बच्चों ये दो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें जिसको आपने याद रखना है। अब मे बी आपसे वाइवर में पूछ लिया जाए व्हाट इज द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इंडिकेट, तो आप कहेंगे कि हॉर्स Hoarseness of voice indicate that there might be infective laryngitis, heavy smoking or a neurological cause. So हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि general physical appearance जो हम patient जब आता है तो उसकी हम general physical जब हम examination करने लगते हैं सबसे पहले हम उसकी appearance देखते हैं, appearance के बाद हम उसका posture देखते हैं, ठीक है, posture के बाद हम उसकी consciousness देखते हैं, उसके बाद उसकी physique, उसकी movement, उससे आने वाली odor और साउंड को भी थोड़ा नोट करते हैं, ठीक है। अब इस सबके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इसके बाद हम आप ये कहें कि थोड़ा सा सिस्टम वाइज चले जाते हैं डे नंबर 3 पे वापस आते हैं। ये तो डे 5 पे ले आया हमें डे 3। अच्छा जी ये देखें, ये मैंने आपको डिटेल पढ़ा दी उसकी, अब देखते हैं। Template to write out the general physical examination of a patient. Patient के जब general physical examination करते हैं तो कैसे करते हैं? General physical appearance हमने देखी, जिसमें उसकी appearance देखी, physique देखी, consciousness देखा, posture and attitude देखा, ये देख लिया ना आप लोगों ने, अभी हमने discuss किया इसको। Yes ma'am. ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसके कुछ vital signs आते हैं। अच्छा ये जिसने भी yes ma'am कहा आप अपना नाम बताएंगी मुझे? नहीं नहीं ठीक हो गया। नहीं मेरे जहन में ना वो एक और स्टूडेंट की आवाज आ रही थी तो मुझे भी याद है कि वो तो फाइनली की थी और वो तो पास आउट हो चुकी है। मैम आपकी आवाज कम हो गई है। मेरी आवाज क्यों कम हो गई है? नहीं मैम ठीक है, ज्यादा करीब है मेरे मुंह के। अच्छा जी ये हम जनरल फिजिकल अपीयरेंस पेशेंट की देखिए, उसको आप रिपोर्ट करेंगे, बल्कि उससे पहले नेम, एज, जेंडर और उसका डेट ऑफ एडमिशन, फिर जीपी GPA आपने देखा, उसके बाद वाइटल साइंस आप देखते हैं। वाइटल साइंस में क्या आते हैं, पल्स आती है कि पल्स कितनी है पर मिनट, क्या रेट है, फिर टेम्परेचर आता है कि कितनी डिग्री या फिर फारेनहाइट का टेम्परेचर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर आता है मिलीमीटर मर्करी में, और फिर उसका रेस्पिरेटरी रेट आता है। इन चीज़ों को भी जैसे भी हमने पीछे जनरल फिजिकल अपीयरेंस को इन डिटेल देखा, वाइटल साइंस को भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे कि इन वाइटल साइंस को हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। फिर फेस आ जाते हैं, फेस की सिमेट्री देखी जाती है कि फेस सिमेट्रिकल लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एट्रोफी फील हो रही हो, ठीक है, या जैसे वो बेल्स पाल्सी होती है
उस केस में ऐसा तो नहीं है कि फील हो रहा है कि जैसे कोई एक साइड मूव कर रही है और एक साइड पे जो है वो मूवमेंट ही नहीं आ रही, ठीक है? और इसके अलावा हो सकता है कि फेस की कोई पफिनेस तो नहीं है, ठीक है, वो एक लेदर डिजीज को इंडिकेट करती है, या पेलर तो नहीं है जो कि एनीमिया को इंडिकेट करे, या फिर येलो डिस्कलरेशन तो नहीं है जो जॉन्डिस की इंडिकेशन हो सकती है, या फिर जैसे साइनोसिस पड़ा था तो कोई ब्लूइश तो नहीं है जो टिप ऑफ द स्किन होती है, या फिर इनर सरफेस ऑफ द लोअर लिप भी हो सकती है, ठीक है, या फिर डॉर्सम ऑफ द टंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या करना होता है, आपने फेस को देख के नोट करनी होती है कि उसके कलर से कोई साइनोसिस जॉन्डिस या पेलर तो नहीं हमें पता चल रहा। फेस में थोड़ा सा ऊपर आए तो हम देखें आईज को, आईज में कहती है कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा तो नहीं है, आईज के जो अराउंड है वो कहीं एडिमा तो नहीं आपको नजर आ रहा, ठीक है, या फिर प्रोप्टोसिस तो नहीं है। प्रोप्टोसिस क्या होती है, इसका दूसरा हमारे पास एक्सोथैल्मोस भी होता है, ठीक है, एक्सोथैल्मोस भी कहा जाता है, एक्सोथैल्मोस भी कहा जाता है। तो प्रोप्टोसिस क्या होता है, ये आपके पास प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, अगर आईज बहुत ज्यादा अगर आपको आईज बहुत ज्यादा प्रोट्रूडेड फील हो रही हो तो उसको हम कहते हैं प्रोप्टोसिस, ठीक है। अब अगर हम प्रोप्टोसिस की बात करें तो जैसे ग्रेव डिजीज है, आपके पास एक डिजीज है ऑटोइम्यून, उसमें क्या होता है आपके पास बायलेटरली आपको जो है वो प्रोप्टोसिस मिलेगा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई स्किन पर रैश तो नहीं है, फेशियल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक्सेसिव हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है स्किन पे, या फिर चीक की साइड पे जो कि हिरोसिज्म इन केस ऑफ फीमेल जो कि एक हार्मोनल इंबैलेंस को भी इंडिकेट कर रही होती है, या फिर बहुत सारी ऑर्गेनिक लॉजिकल कंडीशन में जैसे PCOS होते हैं, फिर पैराटिड ग्लैंड उनको जो है वो आप ये कहें कि पल्पेट करके देखा जाता है कि ग्लैंड तो ठीक है ना, कोई उसमें तो स्वेलिंग तो नहीं फील हो रही, जैसे मम्स के केस में आपको यूजली बायलेटरल स्वेलिंग मिलती है, लेकिन अगर यूनिलेटरल स्वेलिंग हो तो फिर वो इंडिकेट कर रही होती है कि कोई ट्यूमर हो सकता है जो यूनिलेटरल स्वेलिंग आ रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर माउथ को देखा जाता है, ठीक है, माउथ में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, माउथ में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसमें टीथ आ जाते हैं, टीथ की हाइजीन आ जाती है, टीथ की जो है प्रॉपर ब्रश करते हैं, कोई येलोनेस नहीं, कि प्लाक तो बहुत ज्यादा नहीं टीथ पे आया हुआ। इसी तरह टंग को देखा जाता है, ड्राइनेस के लिए सबसे पहले तो टंग को देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन तो नहीं है पेशेंट में, ठीक है, देन पेलर एंड साइनोसिस देखते हैं, कलर उसका देखते हैं कि ठीक है, कोई जॉन्डिस तो नहीं है टंग पे, इसी तरह से टंग का साइज देखा जाता है, जैसे कि एक्रोमेगैली के केस में टंग का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ होता है, इनलार्ज हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, वाइटल साइंस के बाद हमने फेस को देखा, फेस के बाद हम माउथ पे आए, माउथ में आप लिप्स को भी देखेंगे, ठीक है, लिप्स की भी जो ड्राइनेस है वो इंडिकेट करती है डिहाइड्रेशन को, या फिर उसकी जो डिस्कलरेशन है इनसाइड दी लोअर लिप का जो इनर एरिया होता है ना, वो टाइम अगर साइनोसिस हो तो वो ब्लू हो रहा होता है। फिर हैंड आ जाते हैं, अब हैंड पे हम आते हैं, हैंड में हमने क्या कुछ देखना होता है, हैंड में सबसे पहले आपने नेल्स को देखना है, फिर हम फिंगर्स को देखेंगे और उसके बाद हम पाम की तरफ आएंगे, ठीक है। नेल्स में क्या कुछ देखते हैं, सबसे पहले हमने देखना होता है कि नेल्स में क्लबिंग तो नहीं हो रही, वर इज क्लबिंग, बच्चों क्लबिंग तो नहीं पता क्या मैम, नेल और नेल का एंगर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मैम नॉर्मली थोड़ा इंटर फिंगर पे ब्लूज बनती है, लेकिन स्लोप टाइप बन जाती है, क्या बनती है स्लोप टाइप, थोड़ी ऊपर से जाते हैं, कर्वेचर आ जाता है उनमें, ठीक है, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, कर्वेचर आ जाता है, ठीक है।
कनकेविटी बच्चे नहीं 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 बच्चे नहीं कनकेविटी तो हमारे पास उसमें आती है वो जो है क्वाइलोनिक्युलर की जो कंडीशन आती है उसमें आती है, इसमें कर्वेचर सिर्फ इंक्रीज हो रहा होता है ठीक है क्लबिंग में। नेल और जो नेल की बीच है उसके बिटवीन एक एंगल बनता है, मतलब ये जो स्किन का एरिया किडनी की वजह से होता है, किडनी की वजह से भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ लिवर की कंडीशन भी आती है ठीक है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम मिलता है। फिर थायराइडिज्म के केसेस में भी आ जाता है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस आती हैं, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, जीआई की कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें आपको ये मिल जाता है क्लबिंग। लॉस ऑफ एंगल होता है बिटवीन नेल एंड नेल बेस ठीक है, वरना तो नॉर्मली हम देखें तो ये जो हमारी स्किन और नेल एक एंगल बन रहा है ना, अगर क्लबिंग होगी तो कोई एंगल नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट स्किन और नेल एक दूसरे के साथ आपको ज्वाइन होते हुए नजर आते हैं। और एक टाइम्स क्या होता है, टाइम्स तो मैंने जैसे आपको बताया कर्वेचर ही इंक्रीज हो जाता है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों, और नेल आपको कन्वेक्स नजर आता है, कन्वेक्सिटी नेल की बन जाती है, जबकि जो क्वाइलोनिकी है वो इसके डॉक्यूमेंट तो शेयर ही नहीं हो रहा, जबकि जो क्वाइलोनिकी है वो इसके ऑपोजिट आता है। क्वाइलोनिकिया में क्या होता है कि स्किन में एक स्पून शेप जो है वो स्पून शेप कनकेविटी बन जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, कोशिश करती हूँ आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्लबिंग और क्वाइलोनिकिया क्या होता है। ये शायद एनीमिया की वजह से होता है जी, ये एनीमिया में होता है क्वाइलोनिकिया जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। अच्छा जी, क्या हमने देखना था, क्वाइलोनिकिया देखना था जी मैम। ये देखिए बच्चों कनकेविटी आ गई नेल्स में, नजर आ रहे हैं ना आपको, स्पून शेप नेल है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। यस मैम। आप दूसरा कौन सा देखना था हमने? क्लब नेल मैम, स्प्लिंटर हेमरेज नीचे तो नहीं, ठहर जाए ना अभी, तो स्प्लिंटर हेमरेजेस भी देख सकते हैं। देख रहे हैं इस डायग्राम को? यस मैम। कन्वेक्सिटी आ गई हुई है नेल्स में, डिस्टॉर्टेड एंगल हो गया हुआ है नेल बेड का। अर्ली क्लबिंग में ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और जब थोड़ी और ज्यादा क्लबिंग इंक्रीज करती है तो ये कन्वेक्सिटी बन जाती है नेल की ठीक है। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं। जी जी मैम, ये वाला पता था हमें क्लबिंग। अच्छा पता था, ठीक हो गया बच्चे, अच्छी बात है, फिर तो पता था। फिर हमारे पास आते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। स्प्लिंटर हेमरेजेस क्या होती हैं? कुछ स्ट्रीक्स नजर आती हैं हेमरेजिक नेल्स में ठीक है, और यूजली ये वर्कर्स में नजर आती हैं, मतलब आप ये कह लें कि एक्सेसिव जो काम करते हैं उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कुछ डिजीजेस में भी ये बन जाती हैं, हेमरेजेस नेल के अंदर हो जाते हैं ठीक है। फिर आती हैं जी लिक्योनिकिया। लिक्योनिकिया क्या होते हैं? वाइट पैचेस बन जाती हैं नेल्स में, और यूजली इसके साथ बहुत सारे कोई कहता है जी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, यूजली ये नॉर्मल होते हैं वाइट स्पॉट्स बन जाना, या एक रीजन इसकी जो कही जाती है ये हाइपोएल्बुमिनिया के केस में भी, एल्बुमिनिया के केस में भी आपको वाइट स्ट्रीक्स नजर आती हैं या वाइट पैचेस कह लें नेल पे। मैम ये लिवर के पेशेंट में भी होता है ना लिक्योनिकिया? बच्चे लिक्योनिकिया लिवर डिजीज के साथ तो नहीं मैंने सुना, मैंने तो एक दो लोगों से मतलब इतना कंफर्म नहीं, मतलब सोर्सेज जिनसे मैंने, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी कहा जाता है आप ही कह लें जहाँ से मैंने देखा था। फिर आ जाते हैं पिटिंग ऑफ नेल्स। देर आर लार्ज नंबर ऑफ पिट्स इन द नेल्स ठीक है, नेल्स में आपको पिट्स नजर आएंगे, और ये कब होते हैं? जो स्किन कंडीशन है सोराइसिस, बहुत ज्यादा स्केलिंग को डैमेज कर रही होती है स्किन को, तो फिर जब नेल्स को अफेक्ट करती है तो नेल्स में भी पिट बना देती है। तो हमने क्या देखा, हमने नेल्स को देखा। बच्चे ये जो कंडीशंस हैं इनको याद रखिएगा कि
किस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर फिंगर्स आ जाती हैं, फिंगर्स में ऑक्सिलर नोड होते हैं जो आपकी टर्मिनल है ना, इंटरफेलेंजियल जॉइंट टर्मिनल वाला, वहां पे क्या होता है, टर्मिनल जो फेलेंजीज होती हैं वहां उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और ये यूजली आपकी वेसल रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं उसमें आपको नजर आती है। जो टर्मिनल फेलेंजीज है ना वो थोड़ा थोड़ा बाहर को निकल आएंगी, बाकी फिंगर तो स्ट्रेट है लेकिन बिल्कुल नेल के पास जाके फिंगर थोड़ी सी मोटी सी हो गई, ठीक है, वो आपके पास हेबर्डन नोड आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है पामर, अच्छा नहीं अभी हम ऊपर है, फिर हमारे पास आ जाती है जी, अच्छा नहीं बच्चे थोड़ा उल्टा हो गया, ये ऑस्लर नोड में आपको बता रही थी, हेबर्डन नोड पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, ऑस्लर नोड है जिसमें कि आपकी जो टर्मिनल फैलिंग है वो थोड़ा सा साइड से बाहर को निकल आती है। फिर हेबर्डन नोड आती है जो कि यूजली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में नजर आती हैं, जो टर्मिनल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है ना ये वहां पे जो है बोनी स्वेलिंग मिलती है आपको इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे, और ये ऑस्टियोसाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, हेबर्डन नोड। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बुचर्ड नोड आती हैं, फिर कुछ इंटरफेलेंजियल जॉइंट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसी तरह से पाम्स में देखें तो पामर स्वेलिंग हो सकती है, पामर इरिजिमा हो सकता है जो कि आपको रेडनेस नजर आएगी स्किन में, यूजली प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल होती है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में कई दफ़ा रेडनेस आ जाती है। फिर आपके पास जो है वो कुछ कंट्रेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिससे अच्छा बच्ची जैसे भी हमने हेबर्डन नोड पढ़ा ना जो कि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की थी, इसी तरह आपके पास अगर डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की वो हो ना पे आपको थोड़ी सी इनलार्जमेंट नजर आए, मतलब बाहर को निकले हों, ऑस्टियोफाइट बने नजर आ रहे हों डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की साइड से, तो उसे हम जो है वो बुचर्ड नोड कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब आगे चलते हैं तो हमारे पास डिपुट्रेंस कंट्रेक्चर आते हैं। डिपुट्रेंस कंट्रेक्चर में क्या होता है कि आपके पास थिकनिंग जो पाम में जो फेशियस की थिकनिंग हो जाती है, आपको एक थिक बैंड या कॉर्ड फील होती है बिटवीन द पाम एंड रिंग एंड लिटिल फिंगर, जो आपकी रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर और पाम, यानी कि दो जो आपकी मीडियम वाली फिंगर्स हैं और जो आपकी पाम है ना वहां पे आपको एक कॉर्ड बनी नजर आती है, फील होगी पल्पेट करने पे, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ही बन जाता है ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का, और ये यूजली अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में आपको ये कंडीशन जो है वो मिलती है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हैंड की ओवरऑल जो है वो शेप देखनी है, साइज देखना है, कोई और डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके बाद फिर हम नेक को देखते हैं। बच्चे मुझे ये बताएं कि सबको समझ में आ रही है बातें? यस मैम आ रही है समझ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कोई नई बातें हैं या पहले भी पढ़ी हुई हैं? मैम पढ़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब फिर हम ये कंप्लीट कर लेंगे जो आगे लिखा हुआ है। यस मैम नहीं करनी होती है, ठीक है। नेक में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर जो मेनली प्रेजेंट होते हैं उनको हम देखते हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, नेक वेन्स होती हैं और लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें तो ये ट्रेकिया की साइड पे बायलेटरली लाई जा रहा होता है, ठीक है, और अगर ये एनलार्जमेंट हो जाए इसकी ग्लैंड की तो उसे हम गॉइटर कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट की नेक को एक्सटेंड करवा लेते हैं और उसकी ट्रेकिया के साइड पे प्रिपेयर करके देखते हैं कि कोई ऑब्वियस स्वेलिंग तो नहीं हमें मिल रही, और अगर हम पेशेंट को कुछ खाने को दें जब तो जब वो स्वेलो करता है ना तो क्या होता है कि स्वेलिंग के साथ जो लेरेंजियल कार्टिलेज है ना वो अगर अप एंड डाउन मूव करेगा ना तो वो शो करता है कि ये थायराइड का इलाज है।
डॉक्यूमेंट किधर चला गया, ये नहीं तो गूगल है, ये था मेरा ख्याल है। अच्छा जी, थायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं कि हमने उसको किस तरह से जो है वो इंस्पेक्ट किया, तो हम उसको पल्पेट भी कर सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं, स्वेलिंग को जो है वो आप होल्ड करें या उस पर अपनी फिंगर्स रखें और देखें कि उसका साइज क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, टेंडरनेस तो नहीं है, पेनफुल तो नहीं है पेशेंट के लिए। प्रोस्कल्टेशन आ जाती है, और अगर थायराइड ग्लैंड में हाइपर थायराइडिज्म है ना, हाइपर फंक्शनिंग कर रहा है थायराइड ग्लैंड, तो क्या होता है कि अगर हम उसको जो है ऑस्कल्टेट करें तो हमें एक मर्मरिंग की साउंड नजर आती है, ठीक है। तो जो उसका बेल वाला पोर्शन होता है आपके पास स्टेथोस्कोप का, उसके थ्रू हम इसको ऑस्कल्टेट करते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि अपनी ब्रीदिंग जो है वो उसको स्टॉप कर दे, और फिर हम ऑस्कल्टेट करते हैं बेल के साथ। फिर हमारे पास आ जाती है नेक वेन, नेक वेन को एग्जामिन करते हैं। नेक वेन को एग्जामिन करने का मेथड हमारे पास होता है कि पेशेंट को हम राइट साइड से एग्जामिन करते हैं, हेड उसका एलिवेटेड होता है अबाउट 45 डिग्री, और हम देखते हैं कि जहाँ से इंटरनल जुगलर वेन हमारी ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग दी इंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी स्टेनोक्लीडियम मैस्टॉइड, वहाँ पे कोई पल्सेशन तो नहीं हमें फील हो रही, ठीक है। तो साथ ही साथ हम एक और चीज मेजर करते हैं कि उसका डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीनस पल्सेशन टू द स्टर्नल एंगल, जहां पे आपको वीनस पल्सेशन आ रही होती है ना, वहां से हम स्टर्नल एंगल तक मेजर करते हैं। अगर वो 3 सेंटीमीटर हो तो ये नॉर्मल है, अगर ज्यादा हो तो नॉर्मल है। बच्चों, ये जो कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, इनको हम इनकी वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम पेशेंट को परफॉर्म करते तो फिलहाल तो हम वीडियो के थ्रू फिर आपके साथ वो शेयर करेंगे कुछ ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, तो इनके लिए भी आपने जो है वो वरीड नहीं होना कि ये किस तरह से हो रहा है सारा कुछ। फिर हमारे पास आ जाती है लिम्फ नोड्स के बाद, लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन आ जाती है। लिम्फ नोड्स में जब देखें तो नेक में लिम्फ नोड को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं नेक की लिम्फ नोड की, उसमें आपके पास सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ट्रायंगल और इंटीरियर ट्रायंगल की लिम्फ नोड आ जाती है। मेरा ख्याल ये कल की जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें ये लिम्फ नोड के नाम भी थे, ठीक है। तो इनको भी हम क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो आपकी बेड से टेक्निक की बुक है ना, उससे आपने जाके पढ़ना है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे एक्सिला सॉरी नेक में लिम्फ नोड के, इनको हम किस तरह से, और साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड, इनको हम किस तरह से जो है पल्पेट करते हैं, कहाँ पल्पेट करते हैं। अभी पिछली दफा भी काम दिया हुआ था, वो भी आपने मुझे बताना है अभी। ओके मैम, बल्कि ये तीनों लिम्फ नोड है, नेक, एक्सिला एंड ग्रोइन, तीनों रीजन के लिम्फ नोड को आप लोग देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो कर रहे हैं, पल्पेट करते हैं। फिर फुट पे आए तो फुट पे वही चीजें हम देखेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी एंकल एडीमा, क्लबिंग तो नहीं है नेल्स की, कॉलोनिक्युलर तो नहीं है, या साइनोसिस तो नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक हैंड। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट आर टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वो किस तरह से लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले जनरल फिजिकल अपेयरेंस आ गई, फिर हमने वाइटल साइंस देखे, फिर फेस देखा, फिर माउथ देखा, फिर हमने हैंड देखा, उसके बाद हमने नेक देखा, एक्सिला और ग्रोइन की लिम्फ नोड्स आपको देख के आएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम वो काम दिया था, वापस जाते हैं हम उस काम पे। जी, ये होम टास्क आप लोगों को एक दिया गया था, डेफिनेशंस लिखनी थी इनकी, देख के आनी थी। हाँ जी, अब सारे सो गए हैं? नो मैम। मैम आप क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, ये काम करने को दिया था मैंने पिछली दफा। मैम हमने किया हुआ है। वेरी गुड, मैंने आज सोचा था कि स्क्रीन शेयर करवा के
तो जो है ना वो मैं देखूंगी आप लोगों से, लेकिन अब चलें। नेक्स्ट क्लास में देख लेना हमने किया हुआ है यार, रफ है। इसका वाइवा भी हमारा लास्ट में ही होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था। बच्ची मेरा ख्याल है लास्ट में होगा, जुलाई, पता नहीं जून या जुलाई की कोई डेट बताई गई है, मेरे मैम एक जहन और से बात, निकली जी। मैम जुलाई में बताया हुआ। मैम हाँ तो इसकी बस फिर टोटल जुलाई कितनी की स्टार्ट क्लासेस हुई होंगी? है जी। इसकी टोटल कितनी क्लासेस होंगी? बच्ची इसकी क्लासेस पता नहीं कितनी होंगी, अभी तो मुझे भी नहीं पता। ये कुछ मैम टॉपिक्स पिछली बार आते टाइम जा नहीं रहे हैं थी जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जिस टाइम बैठ के इसको कुछ डिवाइड करती हूँ पार्ट्स में, ताकि जी। हमें पता चले कि ये कब एंड होगा। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि अगले वीक में आप लोगों को आपकी ग्रुप भी बता दिए जाएं, ताकि आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी फिर आगे वाले लेक्चर्स में। आपको पता टोटल कितने लेक्चर्स होते हैं इसके? मैम मैम लास्ट टेन टाइम होते 10 हैं, होते हैं इसके। मैम टेन लास्ट टाइम तो भाई 10 होते लेक्चर्स हैं, होते 10 होते हैं मैम, लेक्चर हाँ 10 होते हैं वो। अब ये एसएपी 2 है तो डिपेंड करता है कि अगर इसका सिलेबस ज्यादा है तो हो सकता है ज्यादा हो लेक्चर्स, लेकिन एक्चुअल में 10 होते हैं। और मैम मैम इसकी हमें बुक ये में भी टेन बता दें लेक्चर कि हमने मैम लॉग बुक लॉग का बुक में भी रिटर्न 9 ही लेक्चर है, सबमिट डे करानी है, 9 तक क्या हमने पीडीएफ को फिल करके सबमिट करानी है, आपको ये भी बता दें। है। फातिमा मैंने आपको पढ़ाया हुआ अभी पिछला जो ऑन कैंपस हमारा सेमेस्टर था जब? नो मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम लेफ्ट कर दें, क्विज है मैम 8 बजे, थोड़ा बहुत बच्चे बताइए। 8 बजे अभी 15 मिनट है, 2 मिनट मेरी पूरी बात सुनिए, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस टाइम चल रही है, ठीक है? मैम मैं अभी आपसे पहले सवाल नहीं पढ़ा रही। क्या मेरे जहन से लॉग बुक जो मैंने अपलोड की हुई है उनको डाउनलोड कर लें और उनको फिल करें साथ साथ, जैसे ही मैंने कहा कि मुझे लॉग बुक चाहिए, हो सकता है मैं 2 हफ्ते बाद के काम पूरा करवा लूँ तब तक, तो आपने मुझे सब वो लॉग बुक सबमिट करवानी होंगी, क्योंकि उनको चेक करना एक काम होता है और उसके बाद चेक मैम करके उसके मार्क्स भी अपलोड करने होते हैं, ठीक है? तो लॉग बुक मैम के साथ लॉगबुक जब हमने मैम सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी या हार्ड सॉफ्ट कॉपी कॉपी चाहिए मैम, यही कंप्यूटर पूछ रहे हार्ड हैं ना, हार्ड कॉपी। लॉग बुक मैम हार्ड नोटबुक कॉपी जब हमने सबमिट करवानी है आप प्लीज 2 वीक्स पहले बता दीजिएगा हमें। यस मैम मैम, हमें डेट जो फाइनल डेट है ना, जो लास्ट डेट है वो हमें बता दीजिएगा पहले, और हार्ड कॉपी हमें पता सॉफ्ट कॉपी होगा। ये भी बता दें। बच्चे हार्ड कॉपी होगी, हार्ड कॉपी होगी, हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है हमने। तो अच्छा मैम हार्ड कॉपी के मैं लिए, मैम हार्ड कॉपी के लिए तो हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी जो बुक है, तो वो तो यूनिवर्सिटी तो ओपन ही नहीं है। बेटा ये मैंने अपलोड यूनिवर्सिटी की है LMS पे, उसको डाउनलोड करें और उसका प्रिंट लें। ओपन है मैम, आप जाने दे रहे हैं यूनिवर्सिटी मैम ओपन है, जाने भी देते के हैं। बाद जाने दे रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी कभी भी क्लोज नहीं थी, हमेशा ही आने देते हैं बच्चे, तो मैं हमारे आज पास सुबह ही आ गया जाते हूँ हैं ऑफिस में। मैम फिर हम यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी बेटी यूनिवर्सिटी से चेस कर लें। मंथली है, मैंने तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दी हुई है मैम। मैम मुझे यूनिवर्सिटी मिल रही है, मैम साथ यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस भी होते हैं मैम। बच्चे वो सारा कुछ नहीं है इसमें एंड पे? ओ मैम लास्ट टाइम एक पेज एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी से, हमारी मैम ने कहा था कि आप लें। अच्छा चले मैं एक दफा आपको ये कंफर्म कर दूंगी लॉग बुक का मसला। और असेसमेंट प्लान आपको पता है 70% आपका फाइनल है, जिसमें 35% आपकी लॉग बुक है और 35% आपका वाइवा होगा, और मेरा ख्याल है कि वो वाइवा पता नहीं कौन लेगा, मुझे नहीं पता। और बाकी बचता है मैम 30%, 30% में 10% आपकी अटेंडेंस है और 20% आपका वो जो केस प्रेजेंटेशन है वो है। मैम आपने असेसमेंट प्लान अपलोड कर दिया हुआ? अपलोड नहीं किया लेकिन मैंने बता दिया है अभी। ओके मैम अपलोड भी कर दीजिएगा, ठीक है? मैम वो LMS पे आपका कोर्स भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा LMS पे मेरा कोर्स आपको? पता नहीं मैम, मुझे माय कोर्सेज में भी शो नहीं हो रहा, और मैंने सर्च किया पता नहीं नाम मुझे वहां पे भी नहीं हो रहा। मैम मैम अतिया कही हूँ, अतिया कही ईमेल हूँ। करूँ मुझे, मैं इसको देख लूंगी आपका कि आपको क्यों नहीं शो हो रहा, ठीक है? ओके मैम। मैम मेरे साथ भी सेम इशू है। अच्छा मैम आप जरा हमें आप पता भी कर दें परफॉर्म कर तो बता दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी से हम ले लें, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अटैच है तो हम वहां से ले लें। बच्चे ऐसे करें कि ना एक ईमेल मुझे कर दें, ताकि मुझे मंडे को पूछना याद रहे, बीच में वीकेंड है 2 दिन, ऐसा ना हो कि मेरा माइंड स्किप हो जाए। तो ओके आप मैम मुझे मैं एक ईमेल कर दें, कर दूंगी, हाँ कल कर दूंगी। कल कर दें चाहे परसों कर दें, ताकि मंडे को जरा फ्रेश फ्रेश। वैसे तो मैं सारी ईमेल्स देखती हूँ मंडे को जाके, बल्कि वीकेंड पे भी देखती रहती हूँ, लेकिन ये कि पता मैंने यूनिवर्सिटी से करना है, मंडे को ही पता होगा तो वो जरा मेरे ओके माइंड मैम, में। ओके मैम मैम होम टास्क का आपने हमें लिम्फ नोड्स के बारे में मैम बताना, पल्पिटेशन और
उनकी लोकेशन के बारे में आपको बताना है नेक्स्ट अबाउट साइड टेक्निक पे सारी न्यूज नोड ग्रोइंग की एक्सिला की और साथ में नेक्स्ट की मैम मैम जो हमारी लॉगबुक में मैम लॉगबुक में ऑलरेडी एक परफॉर्मर अटैच है तो मतलब कितने टोटल कितने परफॉर्मर्स हम लोगों ने फिल करने हैं में बेटा मुझे ये भी नहीं पता मैं आपको लास्ट टाइम आपने 5 किए थे मैं आपको इस तरह से कह रही हूँ मैं पूछ के बताती हूँ ना कि क्या इन्होंने एसपीपी2 का रखा हुआ है मैम आप मंडे को पूछ के तो हमें काइंडली मेल करके बता दीजिएगा ताकि हमें पता हो प्लीज काम करें ना आप मुझे एक ईमेल कर दें ताकि मैं मंडे को पूछ लूं फिर मैं आपको ईमेल करके बता दूंगी ओके मैम मैं आपको संडे को मेल कर दूंगी अच्छा आपको वो ईमेल कौन सी है जो मैं एलएमएस के थ्रू भेजती हूं लिंक यस मैम एलएमएस पे वो मैसेज आ जाता है मुझे ठीक हो मैम आप हमें गाइड कर देंगे कि हमने बेड साइड टेक्निक में से एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है बच्ची जो मैं पढ़ा रही हूँ सारा कुछ पढ़ना है बेड साइड टेक्निक में से आपने बुक खोल कर देखा करें कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ टॉपिक मैंने आज काफी सर्च की थी शॉर्ट फॉर्म के लिए लेकिन मुझे मिली नहीं मैंने कहा अगर हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ लेकिन वो मुझे मिली नहीं अच्छा बच्ची चले ठीक है मेरा ना बेबी रो रहा था तब तो मैंने नमाज ब्रेक में नमाज भी नहीं पढ़ी मैंने उसको चुप करवा के बिठाया था तो मैंने अभी नमाज भी पढ़नी है ठीक है चलो ओके मैम ओके मैम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़